zeros of trigonometry function. चलो बचा लो, साइन थीटा कहां जीरो होता है बताओ? जीरो पे साइन थीटा कहां जीरो होता है? ए ए डैश. वेरी गुड. एंड व्हाट इज द जीएफ ऑफ ए एंड ए डैश? के पाई. करेक्ट, के पाई, एन पाई, कुछ भी ले लो, बराबर है. एन बिलोंग्स टू जेड. समझ में आया? चलो फिर से, cos थीटा इक्वल्स टू जीरो. बच्चा लोग, थीटा कहाँ जीरो होता है? पाई बाय टू और टू बाय टू. बी बी डैश. ऐसा करो, भूल गए? ये क्या है? ए एन ए डैश. बी डैश. अभी ये क्या है? बी एन बी डैश. सब लोग बी बी डैश. बी बी डैश. ए ए डैश. ए डैश. हाँ चलो, एक मिनट, थोड़ी देर मुझे लगता है पहले एक्सरसाइज करानी पड़ेगी सबको. ये सब बंद करो, चलो देखते हैं, जरा एक्सरसाइज कर लेते पहले. रेडी? ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है और ऐसे करना है, ठीक है? हाँ देखो, ए ए डैश करो. यस. बी बी डैश. बी बी डैश. बी डैश. बी डैश. निशा, बी डैश. नीचे, खाली नीचे, दूसरा हाथ का है. हाँ साइड में रखो उसको. हाँ ओके, बी डैश. ओके, साइन के जीरो. साइन के जीरोस, कॉस के जीरोस, बी बी डैश. ओके, बी बी डैश वही रहेगा. हाँ बराबर, चलो. यस yes, आता है, अच्छे से आता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कॉस थीटा जीरो, तो बी बी डैश. अब बी बी डैश की जीएफ थी, हाँ थी, क्या? टू एन प्लस वन पाई बाई टू. ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या? टू एन प्लस वन पाई बाई टू. एन बिलोंग्स टू जेड. अब देखो, जो साइन के जीरो, वाइच 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 क्या? टेन थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा यही होगा, बराबर. जब कॉट जीरो होगा तो थीटा यही होगा, पता चल गया? sec and cosec कैसे है? हवा में उड़ने वाले लोग, इनके जीरो कभी होते ही नहीं है. क्यों नहीं होते है? क्योंकि देखो, sec cosec के जीरो क्यों नहीं होते है, एक बार फिर से देख लो. साइन की रेंज क्या है? माइनस वन वन. हाँ, साइन और कॉस ये दोनों की रेंज जो है वो क्या है? माइनस वन से वन है. ओके, टेन और कॉट दोनों की रेंज क्या है? आर. आर. ओके, एंड सेक और कॉसेक की रेंज क्या है? नल. नल. बड़ा एंड माइनस वन से, ओ, 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 गलत लिखा मैंने, माइनस वन से छोटा. ओके, लेस देन इक्वल टू माइनस वन, बराबर. तो sec की रेंज क्या हुई? वन से लेके इंफिनिटी तक एंड माइनस इंफिनिटी से माइनस वन तक, बराबर. अब मैंने गलती क्या की पता चला आपको? ये वन इंक्लूडेड है. ओके, स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पे. हाँ तो ये sec की रेंज है, तो देखो जीरो तो आता ही नहीं है इसमें. ओके, तो sec cosec के जीरोस कभी हो नहीं सकते, मतलब नल सेट.
पता चल गया? ठीक है, बोलो भाई लोग, इतना क्लियर? यस। चलो अब मैं आपको पहले थोड़े से क्वेश्चन सिखा देता हूँ, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेंज, सॉरी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जीरोस। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जीरोस। तो देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, बराबर है, से फॉर एग्जांपल cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू जीरो। चलो तो क्या होगा, देयरफॉर cos स्क्वायर x इक्वल्स टू sin स्क्वायर x, बराबर है। cos स्क्वायर को यहां डिवाइड करूं तो क्या आएगा, बोलो? tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, तो tan x क्या आएगा? अब बोलो tan 1 कहां होता है, प्लस माइनस 1 कहां पे होता है? बी बी डैश। अबे tan a 5/4 एंड माइनस 7, चार, ये चार जगह है, क्या बोलते हो? तो x इक्वल्स टू क्या, k पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। देखो अब मैं आपको स्टेट बोर्ड वाली मेथड नहीं सिखाऊंगा, tan की फॉर्मूला याद करो, अरे वो तो सबको आता ही होता है। ओके, मैं ये नए अप्रोच काम कर रहा हूं। हां सर, नहीं समझ आया। देखो हम नॉर्मल उसमें क्या सीखते हैं, नॉर्मल सिलेबस में क्या सीखते हैं कि tan x equals to 1, देखो ये नॉर्मल सिलेबस, ये स्टेट बोर्ड चलता है ऐसे। ओके, जब तुम्हें पता ना चले तो मुझे बोलना, ठीक है, सिंक्रोनाइज करवा दूंगा मैं आपको। tan x equals to 1 तो अपने क्या करते हैं, x equals to, tan x equals to minus 1 तो हम क्या करते हैं, k pi plus 3 pi by 4 करते हैं ना। जी हाँ, पता चला इतना? सर tan square कहाँ से आया वो नहीं पता चला। ये नहीं पता चला दोस्त, डाउट में बिंदास पूछो। ये मैंने दोनों साइड है ना बेटा cos square x से डिवाइड किया, तो ये cos square x अपन cos square x 1, sin square x अपन cos square x tan square x, बराबर। बोल दोस्त। हाँ बराबर। अब tan x plus minus 1, तो हम ये रेगुलर स्टेट बोर्ड वाली मेथड अब नहीं यूज कर रहे। अब देखो tan x equals to plus minus 1, दिमाग में ये सीधी चार वैल्यू आई और सीधा इसका आंसर लिख दिया, k pi plus minus pi by 4। पता चला? हाँ। ओके। अब देखो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सर ऐसा करने से अच्छा है cos square x minus sin square x किसकी फॉर्मूला है, बोलो 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 बोलो, किसकी फॉर्मूला है? cos 2 theta। ऐसा नहीं कर सकते, cos 2 x equals to 0, तो 2 x equals to 2 k plus 1 pi by 2, तो x equals to क्या, 2 k plus 1 pi by 4। yes, ये भी right answer है, समझ गए? अब आप बोलोगे कौन सा आंसर राइट, ये वाला कि ये वाला, ये दोनों सेम ही आंसर है यार, नाम अलग अलग है खाली उनके। आर यू गेटिंग इट? बच्चा लोग प्लीज बोलते रहो। यस। हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस यहीं पे ले लेते हैं, log mod cosec x। अब आप सोचोगे सर log तो हमको आता नहीं है, बट मैं आपको इतना बता देता हूं दोस्तों, log हमेशा 1 जो होता है ना वो 0 होता है, क्या log 1 0 होता है, समझ गए?
अच्छा हाँ तो ये बन गया जीरो, मतलब ये कब जीरो हो सकता है, जब मॉड्यूलस कोसेक एक्स को क्या होना पड़ेगा, वन होना पड़ेगा, तो कोसेक एक्स को क्या होना पड़ेगा, प्लस माइनस वन बनना पड़ेगा। अब कोसेक्स के मेरे साथ जान पहचान मेरी कम है, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या, प्लस माइनस वन। अबे साइन एक्स प्लस माइनस वन कहाँ होता है, जल्दी करो, बी एन बी, ये बी एन बी ये आएगा बराबर। ओके अच्छा अब मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, देखो तो मैं वापस आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा जहाँ साइन एक्स प्लस माइनस वन होगा वहां पे cos x क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं। अब ये मेरा रटा हुआ है, x equals to 2k plus 1 pi by 2, देखा पता चला। So these are called questions based on zeros. सर cos x 1 कैसा आया, लॉग वन हमेशा जीरो होता है, ठीक है। एक दिन मैं आपको लॉगरिथम सिखाऊंगा पूरा लॉगरिथम, ठीक है, पर अभी आपके लिए खाली इतना काम का था कि लॉग वन क्या होता है, जीरो, मतलब कि लॉग के अंदर जो आया ये आ गया तो ये बड़ा वन है, तो लॉग वन इज जीरो। क्लियर पुष्टि? पता चला? Yes, sir. देखो जो जेनरली क्लासेस होती है ना, दे आर लाइक अ फिश मार्केट, फटाफट बोली बोलनी है और सामने पूछना है, बराबर है। कभी फिश मार्केट में गए हो? अभी बोलेंगे हम नहीं खाते, सब झूठ बोलते हैं, खाते होंगे बराबर का, सब खाते होंगे। मैं वेज हूँ, बोलो बोलो, मैं भी जैन हूँ, खाते। सब्जी मंडी जो होती है ना, वहां पे कभी गए हो सब्जी मंडी में? एकदम फटाफट, मतलब सब एकदम सटासट होता है। अगर तुम्हें कुछ शॉपिंग करनी है, वहां पे हजार लोग खड़े होते हैं उसके पास, तुम बोलोगे भैया ये कितने का, वो बोलेगा इतना फ्रेश है, निकाल के दो, ये इतने में कर दोगे, वो फटाफट बोलेगा नो। तो जेडब्ल्यू क्लास में थोड़ी वो आदत डालो, बराबर। चलो शुरू शुरू में मैं तुम्हें मोटिवेट करते रहूंगा। देखो ये क्वेश्चन है, साइन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, cos x minus 1 equal to 0, tan x minus 1 equals to 0, okay? sec x plus 1 equal to 0, बराबर? चलो इनको इनको सिर्फ दो मिनट में करके दो, तो है तुम्हारे पास आंसर? पहले वाले का आंसर बोलो 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 जल्दी जल्दी बोलो जल्दी बोलो। क्यों? क्योंकि ये जीरो कब होगा, जब साइन एक्स माइनस वन होगा, और साइन एक्स माइनस वन कब होगा, हाथ भी नहीं हिलाते बैठे रहते नीचे, ऐसा बोलो नीचे बोलो नीचे। बी और बी डैश के सेम फॉर्मूला है तो कोई भी एक लगा सकता है? अबे बी पे नहीं होता दोस्त, खाली बी डैश। अच्छा सब लोग बोलो ओनली बी डैश, ओनली बी डैश, बोलो 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 जल्दी, ओनली बी डैश, बोलो बी की फॉर्मूला, बोलो बी की फॉर्मूला कैसे आई, टू के पाई इधर आता है, नीचे गिरा दिया, बराबर। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन सब बोलो एक साथ, cos x minus 1 will be 0, 2k plus 1 pi by 2, cos x 1 का होगा, cos x 1 का होगा, cos x 1 का होगा, a पे, a पे, a पे, cos x 1 a पे, कर रहा है a पे, a की फॉर्मूला बोलो, 2k x plus 1, 2k plus 10x minus 1 equals to 0, 10x 1 कहाँ होगा, a pi plus pi by 4, वेरी गुड नचिकेत की चमकी, के पाई प्लस पाई बाय फोर, सेक एक्स इक्वल्स टू माइनस वन। ओके मेरे सर मुझे हमेशा याद आते हैं, जब भी मैं सेक एक्स लिखता हूं तो वो हमेशा सी भूल जाते थे। नाउ
sec x माइनस वन कहां पे होगा? जब cos x माइनस वन होगा. cos माइनस वन कहां होता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. b डैश a पाई. अर्ची तू मेरा देख के बोल रही है. b डैश बोला ना? गलत बोला ना, इधर होता है. a डैश. cos x = माइनस वन कहां होता है? जल्दी. a पाई. देखा कितना लोचा लापसी, लोचा लोचा लोचा. ए डैश की जनरल फॉर्मूला के पाई, के पाई प्लस वन. बाबा के प्लस वन पाई. टू के ऑड नंबर ऑफ पाई ना, पता चला. चलो फिर से देखो, ये क्वेश्चन में ट्विस्ट लाया मैं, देखना. साइन x प्लस वन इक्वल टू जीरो बोलो. कॉस x माइनस वन इक्वल टू जीरो. टेन x माइनस वन इक्वल टू जीरो बोलो. चलो अब क्या होगा? x प्लस वन इक्वल टू के पाई बन जाएगा. समझे? भाई लोग हाँ बोलते रहना है. हाँ कैसे? क्योंकि अब मेरा थीटा ये है, ये मेरा थीटा है. समझ गए सब लोग? एक साथ बहुत सारी करूंगा नहीं तो. हाँ तो x क्या होगा? k पाई प्लस वन माइनस वन. माइनस वन. अब ये देखो cos का, cos x माइनस वन को जीरो बनना है. ठीक है, तो x माइनस वन को क्या बनना पड़ेगा? k पाई प्लस पाई बाय टू. x माइनस वन को क्या बनना पड़ेगा? 2k प्लस वन पाई बाय टू. ये कहां से आया 2k प्लस वन पाई बाय टू? क्योंकि वो जीरो से. ओके, तो x को क्या होना पड़ेगा? 2k प्लस वन पाई बाय टू प्लस वन, फिर एलसीएम लेने का और वो सब देख लेने का. ओके, अब देखो टेन एक्स माइनस वन है. ठीक है, तो x माइनस वन को क्या होना पड़ेगा? फिर से बोलती बंद. k पाई प्लस पाई बाय फोर. ओनली k पाई. अब वो उसके साथ कनेक्शन नहीं है, ये टेन के जीरोस लगते हैं यहाँ पे. समझे? टेन बोले तो जहां साइन जीरो वहां में जीरो. डिफरेंस समझ में आ रहा है? इन दोनों के बीच में ये 10x माइनस वन है, तो 10x इक्वल टू वन होगा, और ये 10 ऑफ x माइनस वन है, तो x माइनस वन इक्वल टू k पाई, तो x इक्वल टू k पाई प्लस वन. बच्चा समझ में आया? यस सर. चलो ये थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जीरोस. ओके सर. हाँ सर, वो 10x माइनस वन वाला पता नहीं चला, वो k पाई प्लस पाई बाय फोर कैसे आया? टेन वन क्या होता है? a और a पे होता है. b पे. अरे सॉरी, b पे. पाई बाय फोर. टेन एक्स वन होता है पाई बाय फोर पे एंड फाइव पाई बाय फोर पे. ऐसे होता है वन, देख ले. ओके दिखाई दे रहा है मेरा थोबड़ा जो है, मेरा सर, मेरी शक्ल जो है वो यूनिट सर्कल की तरह इमेजिन कर, भले ओवल जैसी है. समझ में आ रहा है? हाँ सर. तो वो k पाई प्लस पाई बाय फोर करना हो तो क्या होगा? ये k पाई प्लस पाई बाय फोर, ये k पाई, ये माइनस पाई बाय फोर. पता चल रहा है? yes. अब सब विजुअलाइज करके करो. 17 वैल्यू रट्टी है, दिमाग में बिठाई है, बट उसका यूज भी तो करना है. सर स्क्रीन थोड़ी ऊपर करो ना. बेबी सर, आप फर्स्ट क्वेश्चन है जे साइन एक्स प्लस वन सबसे ऊपर अजी थोड़ी ऊपर. सर एम टू के पाई थोड़ा आवे, के पाई आवे ना. भैया हाँ, साइन माइनस वन क्या था? नीचे था इन्हें.
तो 2k पाई એટલે તો ક્યાં આવે આમ આવે પણ માઈનસ પાઈ બાય 2 કર્યું ને એટલે માઈનસ હા 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 બરાબર સી તમે જેટલું બોલશો ને એટલું મને ખબર પડશે ઓકે હવે તમે મને એવું ના કહેતા સિરિયસલી કે સર આ તો જેડબલી છે સી જેડબલી માં છે ને મારે પરપઝલી બહુ ફાસ્ટ ટ્રેક પર ભણવાનું હોય ઓકે આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ હું 1 અવર નો ક્લાસ 3 અવર લઈને ભી ચલાઈ શકું પણ જેડબલી ઇઝ વોટ ઓલ અબાઉટ 30 ક્વેશ્ચન્સ ઇન 1 અવર અને 30 ક્વેશ્ચન્સ કેવા હોય ઈચ ક્વેશ્ચન ઇઝ કન્સિસ્ટિંગ ઓફ 2 ટુ 3 ચેપ્ટર્સ ઓકે એટલે તમારે બહુ ફટાફટ વિચારવાનું હોય એમાં સમજાયું એટલે એ ફટાફટ થિંકિંગ ક્યારે આવે જ્યારે તમે અગ્રેસિવલી સામે રિએક્ટ કરો તો ઓકે યુ કેન કીપ ઓન આસ્કિંગ ડાઉટ્સ ઓલસો આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ ચલો આગળ વધીએ આટલું ક્લિયર હવે હવે તમારી જાતે કશુંક ભી આવે તો ક્રેક કરવા માટે થઈને તમે એલિજિબલ હોવા જોઈએ બરાબર છે ચલો નેક્સ્ટ રાઇટ ડાઉન રેન્જ ઓફ ધ ફંક્શન્સ સી પાંચ જ ક્વેશ્ચન ડિસ્કસ કરીશ ઓકે લેવલ 1 લેવલ 2 લેવલ 3 લેવલ 4 લેવલ 5 ઓકે રેડી સ્ટેડી ગો Find the range of 3 minus 2 cos x. 13 minus 2 cos x. So, dekho. Cos x ki range kitne mein? Minus 1, 1. Very good. Agar minus 2 multiply karunga, toh kya hoga? Pata chala? Yes, sir. Ye kya kiya? कोई बोल नहीं रहा है हर एक स्टेप में आपको बोलते रहना है माइनस 2 मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी चेंज हुई पहले इनइक्वालिटी चेंज हुई अब क्या कर रहा हूं रीअरेंज हां रीसेट मारा ओके ठीक है अबे हटने तो 13 अब 13 ऐड करूंगा तो क्या होगा 13 माइनस 2 11 13 into 15 तो इसकी रेंज क्या 11 से 15 बोलो 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 आवड़ेगा कि नहीं हाँ आवड़ेगा चलो तुम्हारी बारी ready हाँ 17 sin x सबका आ गया ओके वेरी गुड किसी का डाउट नहीं ना माइनस 16 टू 18 ओके अब देखो ये हो गए लेवल 1-2 क्लियर बराबर सी शॉर्टकट देखो आप शॉर्टकट पे आओ बराबर है हर वक्त मेथड 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 नहीं होता कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी माइनस वन माइनस वन यहाँ पे इसके जगह पे माइनस वन रखो बोलो क्या आया 15 आया अब इसकी जगह पे माइनस वन के बदले में प्लस वन रखो क्या आया 11 11 11 आ गया ना
खोपड़ी में घुसा ये बड़ा फंक्शन था कराया ना जो तू यार एक तो जो शॉर्टकट पकड़ो नहीं है वो बड़ा मैं साइन कॉस मत चले वो केम મિનિમમ વેલ્યુ બોલો માઇનસ વન હવે મિનિમમ વેલ્યુ માઇનસ વન મૂકો અહીંયા તો શું થઈ ગયું સત્તર ને એક અઢાર ઓકે વન મૂકો તો શું થઈ ગયું માઇનસ સિક્સટીન મિનિમમ પર મેક્સિમમ આન્સર કેમ આવે છે કારણ કે આગળ માઇનસ સાઇન લાગેલી છે એટલે રેન્જ આઈ ગઈ ને હા ચલો નેક્સ્ટ 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 રેડી ઓકે યે રહે હમ નેક્સ્ટ લેવલ પે આ ગયે 2 માઈનસ 3 સાઈન સ્ક્વેર એક્સ 2 ના બદલામાં 12 કરી દો અને એક વખત કરી દો 11 માઈનસ 15 cos square x ચલો કયો કરવો છે જલ્દી બોલો cos square cos square x ચલો we know that cos કી ઓકાત કેટલી બોલો 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 minus 1 to 1 minus 1 to 1 દેખો મુજે ગુસ્સા આ રહા હે सब लोग को कॉन्स्टेंटली बोलते रहना पड़ेगा मैं तुम सबके पेरेंट्स को बाजू में बिठाऊं क्या अभी वन स्क्वायर है तो वन आ जाओ सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट पहले सब लोग समझ में आ रहा है यस सर ये छोटी चार पांच लोगों की आवाज आ रही है खाली यस सर यस यस सर यस सर अब cos x का ये है हाल है स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 नहीं देखो ये गांव है जहाँ जीरो यहाँ रहता है माइनस वन इधर रहता है वन यहाँ रहता है बाकी के गांव वाले इनके बीच में रहते हैं तो ये गांव वाले जो है जैसे ही स्क्वायर गिरेगा तो ये सब चले जाएंगे इधर ओके तो जीरो से वन के अंदर आ गया सर माइनस वन नो स्क्वायर था हाँ तो माइनस वन नो स्क्वायर वन था ना क्या ना पढ़ू पर आओ क्या पर तमे यहाँ सर जीरो लक्ष्य तमे मैं खाली स्क्वायर करा चाहो તમે સ્ક્વેર અહીંયા કરો છો સી એક મિનિટ યાર યે મેરે બચ્ચે ભી તુમ કેસે સ્ક્વેર કરતે હો મેં સિખાતા હું માઈનસ વન લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ કોસ એક્સ લેસ દેન ઇક્વલ ટુ વન આપ એસે સ્ક્વેર કરતે હો ઇસકા સ્ક્વેર કરકે યહાં લિખતે હો ઓર મેં જો હોતા હૈ વો લિખતા હું माइनस वन से देखो यहाँ पे नंबर जीरो है यहाँ पे नंबर माइनस वन है अब इनके बीच का एक नंबर बोलो जल्दी माइनस जीरो उसका स्क्वायर करो वो इधर गिर जाएगा पर हमने तो क्वेश्चन में वन जा पूछे ना हाँ वन लूट करवा ना वन तुम यहाँ पे स्क्वायर मत करो कॉस का स्क्वायर हुआ है अच्छा तो cos square x कितने के अंदर चला जाएगा 0 to 1 0 to 1 0 to 1 हाँ आपने देखा था रामायण में वो बिजली गिरती है बारिश गिरती है बहुत सारी तो पता है हनुमान वो पूरा पर्वत उठा लेते हैं सारे गांव वाले नीचे चले जाते हैं रामायण तो कई खबर रामायण में चलो હવે સાંભળો મારી વાત અહીંયા કામની વાત પર ફોકસ નહીં કરતા તમે લોકો તો કહેવાનો મતલબ સી નંબર લાઈન કી યે બાતે થોડી ઓબ્ઝર્વ કરો નંબર લાઈન હે ઝીરો યહાં માઇનસ વન હે ઓર યહાં વન હે કિતને લોગ બસતે હે ઇનકે બીચ મે ઇનફાઇનાઇટ 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 તો અબ જબ દેખો યે સારી નેચરલ કેલેમિટીઝ હે જો ઇનકે ઉપર ગિરતી હે યે ક્યા ગિરા હે મેને 11 मॉड्यूलस ओके ये मॉड्यूलस है ये क्या है स्क्वायर ठीक है ये क्या है क्यूब बराबर है चलो तो जब इनके ऊपर स्क्वायर गिरता है
तो क्या होता है, स्क्वायर गिरता है तो ये गांव वाले जो यहां रहते हैं वो कहां चले जाते हैं, ये गांव वाले कहां, 0 to 1 हाँ इधर आ जाते हैं, ओके इधर आके अपना नया आशियाना बसा लेते हैं, समझ गए? हाँ यस सर। हाँ और अगर इनके ऊपर क्यूब गिरता है तो वही रहते हैं, माइनस वही रहते हैं, नहीं वही रहते हैं और भिखारी हो जाते हैं, समझे? क्यों और भिखारी? हाँ माइनस पॉइंट वन है, पॉइंट वन का क्यूब करो तो इतना छोटा हो जाएगा। हाँ क्यूब है, रेस टू फोर है, बराबर है, मतलब ये ड्रॉट की साइन है, समझे आप? सूख जाते हैं, जमीन सूख जाती है, रहती वही की वही है, पता चल रहा है? मैथ्स की दुनिया में ऐसी आफतें आती है, इनको समझो, बराबर? ओके चलो तो ये सब हटाओ अभी, ठीक है, हम वापस सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। तो cos square x कितने के अंदर आ गया? 0 to 1 के अंदर आ गया। अब मुझे क्या करना है, माइनस 15 से मल्टीप्लाई किया, जैसे ही माइनस 15 से मल्टीप्लाई करूंगा ये क्या हो गया, बोलते रहो, पहले अब ये मत एक्सपेक्ट करना कि सर इनइक्वालिटी तो बदली नहीं आपने, मैंने इनइक्वालिटी बदल भी दी और रिसेट भी मार दिया एक साथ। सी ये डबल ही है, आई कांट डू स्टेप वाइज, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके वो छोटे छोटे बच्चों के कर सकता मैं, ओके हाँ। अब क्या, अब 11 ऐड करूंगा तो ये क्या होगा, 11 ऐड करने के बाद ऐसे नहीं सिखाऊंगा, माइनस 15 और 11 किया तो कितना आया, बराबर है? सिद्धा ओके क्या आ गया आंसर, माइनस 4 to 11 चलो तुम्हारी बारी, स्टार्ट करो। माइक बंद कर, नाइन टू ट्वेल्व यस 9 to 12। अब शॉर्टकट पे ध्यान दो, देखो शॉर्टकट क्या कहता है, तो ये रहा शॉर्टकट, ठीक। तो चलो कॉस स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी, 0 कितनी, 0 0 रखो यहाँ पे आंसर 11, ओके 0 रखा तो आंसर 11, मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1 रखा तो आंसर माइनस 4 आ गया, टेक्निक वही है बट अब 0 आ गया, पता चला? यस सर, यस सर, यस सर। मैं भी दूसरे में sin square x की मिनिमम वैल्यू 0 रखा तो 12 एंड 1 रखा तो 12 माइनस 3 9, देखो आ गया ना आंसर 9 टू 12। चलो नेक्स्ट, थ्री प्लस 10 sec x, चलो sec x का क्या हाल चाल, sec x 1 से बड़ा होता है, sec x, अरे sec x जो है वो माइनस 1 से इक्वल या छोटा होता है। अब 10 मल्टीप्लाई करो, इधर 10 मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 10 से बड़ा हो गया। अब इधर 10 मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 10 माइनस 10 से छोटा हो गया, 3 ऐड कर लो इधर, ओके इसमें 3 ऐड करोगे तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू माइनस 7 होगा, इसमें 3 ऐड करोगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 13 होगा। तो व्हाट इज द रेंज, 13 से लेके भागो इन्फिनिटी तक यूनियन
माइनस इनफिनिटी से कहां तक? माइनस सेवन तक. सर पहले समझाओ ना. बोल कहां पे डाउट है? बोल बोल डाउट बोल दू. सर नहीं डाउट है. अब मुझे डाउट पूछो सर. हाँ पूरा एक बार कराओ ना. दोस्त तुम मुझे डाउट पूछो मुझे पहले. सर पूरा ही. सी sec x की रेंज क्या है? माइनस वन टू इनफिनिटी वन टू इनफिनिटी. नहीं 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 sec की रेंज को ऐसे समझना पड़ेगा. sec x जो है वो हमेशा वन से बड़ा होता है और sec x जो है वो हमेशा माइनस वन से छोटा होता है. पता चला? बराबर. अब इसको मैंने 10 मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? 10 sec x greater than equal to 10. ठीक है. अब मैंने 3 ऐड किया तो क्या होगा? 10 sec x plus 3 greater than or equal to 10 plus 3. पर ये प्रोसेस मुझे बहुत सुपर फास्ट स्पीड में करनी पड़ेगी. ओके. 10 sec x is less than equal to minus 10. जी समझ में आया? जी हाँ. अब बोल आगे बोल. 3 plus 10 sec x less than equal to minus 7. पता चला? हाँ. ओके. तो देखो अब ये 13 से बड़ा. तो 13 से बड़ा मतलब देखो ये जो रेंज मैंने लिखी है ना दोस्तों इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ R minus minus 7 to 13. अब आप बोलोगे ये ओपन ब्रैकेट कैसे हो गया? क्योंकि minus 7 and 13 को नहीं निकालना है ना? उसके बीच का पोर्शन निकल गया. बात समझ में आई? Yes sir. चलो yes, sir. तुम्हारी हाँ 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 ना क्या सर कॉस का एलसीएम ले लेंगे कॉस एक्स आ जाएगा कॉस हो जाए ना पर ऊपर नीचे आवसे ने तो रेंज ना खबर पड़े ने. समझायो? यस सर. नेक्स्ट. चलो ये भी क्लियर सबका. ओके नेक्स्ट इज चलो ये आपको देता हूं एक बार. 5 प्लस 2 cosec x. कम ऑन स्टार्ट. सेम टेक्निक. Three and seven. सब लोग अभी बोलना बंद हो गए फिर से. cosec x less than equal to minus one के बाद क्या आएगा? minus infinity to three union seven to infinity. minus infinity to three union seven infinity. शॉर्टकट सिखाना पड़ेगा सर. सेकंड वाड़ो नहीं आवड़ू એટલે 7 आंसर में ना आयो. 7 आंसर में ना आयो. બીજો વાળો 1 આયો અને 3 સર. હા નાના વાળા. હા ધ્વનિ
ये रहा मेथड, कैलकुलेशन किया तो है मैंने। शॉर्टकट सिखवा दो जो आप R माइनस ओपन ब्रैकेट में 3 माइनस 327 लकी सके। हाँ हाँ लकी सके, ये तो मैं पहला कह दूँ दोस्त। हाँ अब देखो शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। ओके कॉसेक्स जो है वो 1 से बड़ा होता है, बोलो। हाँ सर। यस सर। ये देखो 1 से बड़ा होता है ना, यहाँ 1 रखो कॉसेक के बदले में, तो ये जो भी है वो क्या 7 से बड़ा होगा। समझ गए? यस सर। ओके ये जो भी है वो 7 से बड़ा होगा, और कोसेक माइनस 1 से छोटा होता है। यस माइनस 1 से छोटा होता है, तो 5 माइनस 3। ओके तो ये जो भी है वो 3 से छोटा रहेगा, तो देखो ये 3 से छोटा और ये 7 से बड़ा, दोनों आंसर आ गए ना। यस ये सब क्वेश्चन देख के शॉर्टकट्स ट्रिक है, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 + 3 10x, सेवन माइनस 8 cot x, चलो बोलो इसका आंसर। तुम्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी दोस्तों, रेंज दोनों का आंसर आ रहे, पहले बोलना था 10 क्या आर। अब 3 करोगे तो थोड़ी रेंज बदलेगी, हाँ 2 ऐड करोगे तो थोड़ी रेंज बदलेगी, 10 कोट की रेंज आ रहे, तो कोई भी एक्सप्रेशन में तुम्हारा 10 इन्वॉल्व हो, 10 खाली 10 तो रेंज आ रही रहेगी, समझे? हाँ सर। बट अब 10 स्क्वायर एक्स आ गया, तो 10 स्क्वायर एक्स का सीन, 10 स्क्वायर एक्स का हल क्या क्या होता है? 0 to infinity। यस अब देखो ऐसे तो लिख नहीं सकते 0 to infinity, क्योंकि इन्फिनिटी को तो लिखने में भी शर्म आती है, समझे आप? ओके तो लिखना ऐसे पड़ता है, ये गलत तरीका है लिखने का। ओके हाँ ये अपमान हो गया, अब ये इसका रिस्पेक्ट मेंटेन हुआ, 10 स्क्वायर एक्स इज सदा के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोलो। सर आओ लिखा है ना कि क्लोज ब्रैकेट 0 टू इनफिनिटी, हाँ वो ब्रैकेट के साथ आता है इनफिनिटी, खुला नहीं आता कभी। ओके 10 स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके बराबर 10 स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब माइनस 3 करूंगा तो इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3, नहीं हाँ तो लेस देन इक्वल टू 0, और 5 ऐड करूंगा तो क्या होगा? तो इसका आंसर 5 या उससे नीचे आएगा, समझ गए? सर आ ऊपर वाला में आओ क्या हमने कर रहा है 2 + 3 ऊपर स्क्वायर नहीं है। आप एक बात समझ लो 10x हो तो सिर्फ हमें r लिख के छोड़ देना है। हाँ देखो 10 की रेंज क्या, फिर से देखो आई थिंक तुम भूल गए 10 की रेंज क्या r बोले तो ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर्स ठीक है बराबर। अब जैसे ही इनके ऊपर स्क्वायर गिरता है ओके तो क्या होता है, तो ये साइड के लोग कहाँ चले जाते हैं बोलो? पॉजिटिव साइड में। ये साइड के लोग इस तरफ चले जाते हैं, समझे?
बराबर है। तो स्क्वायर की एक खास बात क्या है, वो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, समझे? स्क्वायर की एक और खास बात है, बोलो क्या? रूट को भी वो कर देता है। वाह जी वाह, वो गंदे को अच्छा बना देता है। देखो रूट टू स्क्वायर करो, देखो ये कितना स्मार्ट लग रहा है कि नहीं? यस सर। स्क्वायर की एक और खास बात है, बोलो। पांच का स्क्वायर करो 25। वो इंसान को नई ऊंचाई पे ले जाता है। That's why the name of our class is Pi Square. Are you getting it? Yes, sir. Now, can you tell me the philosophy behind Pi Square? Positive. Irrational number जो ना Pi तो या rational बनाया था। Pi एक irrational number है, खुद irrational number है। Square करने पे क्या बनता है? वो rational बनता है, ठीक है? पर नई ऊंचाई की बात करें तो हम तीन चार लोग ने मिलके चालू किया था पाई स्क्वायर, ठीक है? मैं, नील सर और गगन मैम 2012-13 में, ठीक है? और फिर हम लोग रेशनल नहीं, सॉरी इरेशनल बन गए वापस। नाउ वी ऑल आर इरेशनल। नाम पाई कर दो। मैं अकेला हूँ पाई स्क्वायर में, ओके? तो आई लाइक दैट नाम, तो मैंने कंटिन्यू किया, ओके? अपना ये जो दोनों क्लासेस है ना, नीचे वाला क्लास और बाजू वाला क्लास, सब पाई स्क्वायर हुआ करता था, ओके? फुल फ्लेज पाई स्क्वायर चलता था, देन थिंग्स डिड वर्क आउट दैट वे। तो हाँ, बट दिस नेम हैज अ मैजिकल पावर, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं अक्सर मैथ्स के इक्वेशंस ये सब सॉल्व करता था, सबको पसंद भी आया, क्योंकि इसके साथ की जो फिलोसॉफी थी ना वो बहुत मस्त थी, कि जब हम लोग अगर एक टीम बनाते हैं, बराबर है, जैसे आप और मैं एक टीम है, तो हम में से हो सकता है किसी में थोड़ी इरेशनलिटीज हो, इरेशनलिटीज का मतलब थोड़ी बहुत कमियां हो, बट टुगेदर व्हेन वी आर, तो वो सब चीजें पॉजिटिवली वर्कआउट होती है। तो दैट्स व्हाई यू नो सबकी इरेशनलिटी निकल के सब रेशनल बने, किसी एक डायरेक्शन में आगे जाए, नई ऊंचाई पे जाए। दैट्स व्हाई इट इज पाई स्क्वायर। ये लॉजिक था, आज मैंने आपको ये शेयर किया आपके साथ। आई थिंक मैंने मैत्री आप लोग को बोला था पहले, नचिकेत? यस यस, तुम लोग को बोला था लास्ट ईयर, ओके? इन लोग को नहीं बोला था। चलो अब ये सब क्लियर सर? हाँ तो ये लास्ट सम करा है, उसमें 5 टू इनफिनिटी रेंज होगा? नहीं बेटा, लेस देन और इक्वल टू 5 आया। देखो देखो सबसे पहले 2 टू 5 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है? 0 से बड़ा होता है, बट माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 5 माइनस 3 तो माइनस इनफिनिटी से 5 तक जाएगा, ये समझ गए? हाँ। तो ये सब था एलिमेंट्री ट्रिगो, बराबर? हाँ, अब मेरे को बोलो तुम्हारे में कैपेसिटी है और डाइजेस्ट करने की? सर एक डाउट है तो। हाँ बोलो बोलो। 2+3 10x थे तो रियल नंबर्स है क्या? मैंने अंदर क्या नहीं करवाना, क्या उसकी बाजू आ जाए मल्टीप्लाई था? नहीं सी, अबे 2+3 10x थे तो जो 10x कितना नहीं अंदर आवे, रियल नंबर। हाँ माइनस इनफिनिटी थी, इनफिनिटी। अबे इन्हें 3 मल्टीप्लाई कराए कोई दिवस ना? तो बची कितना खराब लगे, એટલે રીઅલ નંબર જ રહે બધું એવું। અરે તમે 3 મલ્ટીપ્લાય કરો તો કેવું દેખાય? માઇનસ 3 ઇન્ફિનિટી। કોઈ બોલે સર 8 ને સુડાઈ દીધો, એવું થોડું હોય યાર। બરાબર? યસ યસ સર। ઓકે આગે બડે, सिर्फ आंसर की रेंज ही मिलेगी ना? यस, ये रेंज के ही क्वेश्चंस है।
पहले जीरोस के क्वेश्चन थे, अब रेंज के क्वेश्चन थे. पता चल गया? हाँ सर. एक आपको मुझे याद कराना है, मतलब मुझे ये एक टॉपिक है जो मतलब मैं है ना ग्राफ दिखाने में यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ आपके साथ, बराबर. तो ये वाला टॉपिक मुझे याद कराना कभी भी. मैं अभी लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे. पीरियड्स, पीरियड, प्रिंसिपल पीरियड एंड पीरियोडिक फंक्शन. प्लीज मुझे याद कराना, जब जिस दिन भी लॉकडाउन खुलेगा तभी पढ़ाऊंगा ये टॉपिक. तो सर पीरियड में मतलब पीरियोडिक मतलब जे विच इज हैपनिंग एट अ सर्टेन इंटरवल. से फॉर एग्जांपल आप स्कूल में बैठे हो, ओके, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पीरियड इन स्कूल? 45 मिनट. 40 मिनट. 30 मिनट होता है, गलत बोल रहे हो तुम सर. हमारा 2 बजे. सॉरी 1 आवर होता है, सॉरी. ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पीरियड? 1 आवर. अब तुम्हारी स्कूल जो है वो 8 से 12 चलती है, समझे? ठीक है. हाँ जल्दी बजी. हाँ बोलो ना यार. हाँ सर. अब 8:00 मैं प्रिंसिपल हूँ तुम्हारे स्कूल का, ओके, और मेरा काम है लॉबी में इधर उधर रखने का, ठीक है, और तुम्हारा भी वही काम है, समझ गए, बराबर. तो मैं जब भी लॉबी से निकला 8:05 को, तुम बाहर दिख गए और मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो तुम क्या बोलोगे मुझे? बस 5 मिनट हुई, पीरियड चालू हुए. ठीक है, ठीक है. फिर वापस 1 घंटे बाद में फिर से आया 9:05 को, ओके, और वापस तुम मुझे रखे से वही मिले और मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो तुम क्या बोलोगे? टॉयलेट करने निकले थे. बस 5 मिनट हुई, पीरियड चालू हुए. व्हाट डज दैट मीन? दूसरा पीरियड आ गया. हाँ हाँ, दूसरा पीरियड आ गया. फिर से मैं 10:05 को आया तो और एक दूसरा पीरियड. हाँ, तुम तो यही बोलोगे ना, बस पीरियड चालू हुए 5 मिनट हुई, पर ये मुझे समझना है कि या तो ये तीसरा पीरियड है या 6th पीरियड है. बहुत हाई लेवल की बात बोल दी मैंने ना, बड़ी खबर. तीसरा जो है, ठीक है. फिर से जब मैं तुम्हें 8:05 को मिला और तुमने बोला बस पीरियड चालू हुए 5 मिनट हुई, ठीक है, और जब मैं तुम्हें 9:05 को मिल रहा हूँ और तुम मुझे बोल रहे हो कि पीरियड चालू हुए 5 मिनट हुई, तो मैं क्या समझूंगा कि पीरियड की लेंथ जो है वो या तो 1 घंटा है या तो 30 मिनट से. क्यों? क्योंकि देखो 30 मिनट होगी तो क्या होगा, 8:05 को 5 मिनट हुई होगी, 8:30 को पीरियड खत्म हो गया, फिर 9 बजे का पीरियड खत्म हो गया, फिर तीसरा पीरियड चालू हुआ होगा. तो मेरे दिमाग में 2 चीज आएगी कि नहीं, कि लेंथ ऑफ द पीरियड इज आइदर 30 मिनट और 1 आवर. हाँ, अब आप सोचो तो मेरे दिमाग में और सारी लेंथ आ सकती है, पर थोड़ी बहुत कॉमन सेंस मेरे में भी है कि पीरियड जो है वो 30 मिनट का रहता है या 1 आवर का रहता है, ऐसा कुछ सोच सकते हैं. अब आगे बात करते हैं. पीरियड मतलब ये मैंने टाइम के इंटरवल में समझाया आपको, ओके. अभी बारिश गिर रही है, ओके, बारिश के दिन चल रहे हैं, वापस कब आएंगे? 1 साल बाद, ओके. सो अगेन रेनी सीजन का पीरियड आने में कितना टाइम लगेगा? 1 ईयर, समझे आप? ओके, जैसे 14 फरवरी को दशहरा आती है, बराबर है, तो फिर से दशहरा कब आएगी? नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर. व्हाट इज द पीरियड? 1 ईयर. पता चला? तुम अभी ना है, सपोज आज क्या है, संडे है, ओके, गलती से बाई चांस आपने आज ना है, ओके, और ना के नेक्स्ट टाइम नाने का जो गैप है ना, दैट इज कॉल्ड पीरियड. किसी भी चीज में अप्लाई कर सकते हो, ओके, बट ये मैथमेटिकली समझना है. तो अब देखो साइन का ग्राफ सबको पता है, ओके, तो 2π के बाद वो रिपीट होता है, 2π 4π 6π. ये टॉपिक ऐसा है ना, ग्राफिकली समझने में ही ज्यादा मजा आएगी, ओके. ग्राफिकली मैं समझाऊंगा ना, मुझे इस पे मेरे साथ एक ही लोचा है कि इसके साथ मेरे पास मुझे दूसरा लैपटॉप लाना पड़ेगा ये टॉपिक समझाने के लिए,
ओके, तो एक दिन किसी फ्रेंड का लैपटॉप लाऊंगा तो उसमें मैं अपनी सारी क्रिएटिविटी दिखा सकता हूँ. ओके, मैकबुक के साथ मेरा ग्राफ नहीं चलता है, पता नहीं, बस एक का प्रॉब्लम है. ओके सर, हाँ 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 हमारे में से किसी के पास लैपटॉप है तो उसकी स्क्रीन शेयर करके आप कर सकते हैं ना? वो नहीं मजा आएगा यार, इसलिए नहीं मिलाएगा क्योंकि तुम लोग हो एक तो गांव वाले, इंग्लिश भी तुम्हें ठीक से आती है, बराबर है, फिर मैं बोलूं तुम ये करो वो करो वो करो तो उतने. सर कल क्लास है, कल का भी आज के खत्म कर ले पहले. ना कल क्लास नहीं, सही ना करो सर. हाँ सही ना करो. सो क्लास एक कलाक तक गया है, तुम्हारे एक टॉपिक कराओ चाहे तुम हां पढ़ता हो तो. ना सर, ना ना ભણીને